भारत दो न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा अस्सी हजार करोड़ की दोनों डील को कैबिनेट की मंजूरी और इस खबर को अखबारों में जगह दी गई है जिसमें कहा गया है कि रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने यूएस से 31 एम क्यू ड्रोन लेने और भारत में ही दो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की मंजूरी दे दी क्योटी ने दो नई स्वदेशी परमाणु पंडुबियों के निर्माण को मंजूरी दे दी ये प्रोजेक्ट चालीस हजार करोड़ रुपए का है और ये भारतीय नौसेना की ताकत में असाधारण बढ़ोतरी करेगा इस सबमरीन के निर्माण से भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र और साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को और मजबूत कर पाएगा दोस्तों भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और खत्ते में जो मालिक है उनको परेशान कर रहा है इससे लेकर 28 किलोमीटर प्रति घंटे ये पानी के ऊपर चलती है लेकिन ये असली स्पीड पकड़ती है पानी के नीचे क्योंकि ये बनी ही है पानी के नीचे के लिए यानी कि अंडर वाटर सबमरीन है ये अंडर वाटर स्पीड है इसकी 24 नॉट यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्हिच इज प्रीटी ये है कि ये पंडुबियां पंचानवे परसेंट स्वदेशी होंगी जो भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को दिखाएगी इसमें भारत की प्राइवेट कंपनिया जैसे एल भी सहयोग करेगी इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये पंडुबिया मौजूदा अरिहंत क्लास से बिल्कुल अलग होगी को कहा जाता है कि स्ट्राइक कैपेबिलिटी है क्योंकि सब मेरी समुद्र में छुपी होती है तो सब दोस्तों दोस्तों जैसे की आप लोग जानते हैं की बहुत हमेशा से अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की

वो दिफा पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और ख़िते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा है जी कि दो न्यूक्लियर सब बनाई जाएँ थर्टी वन जो प्रीडेटेड डेटेड हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं और ये अभी कल आज मेरे कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि दो इंडिजिनस न्यूक्लियर सब बनाई जाएं इकत्तीस ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएँ नेवल कैपेबिलिटीज के लिए फॉर दी नेवल कैपेबिलिटीज अब एक, एक इंडिया की है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है उस ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं उन्होंने कहा है जी कि दो मेजर डील्स हमें हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स के लिए फॉर फॉर दी कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा सबमरीन कहा जाता है और uh, अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन चालीस करोड़ रुपया लगना है इसमें पाकिस्तान का कह लें कोई चालीस हज़ार करोड़ है तो अस्सी हज़ार करोड़ और एक सवा सौ करोड़ पाकिस्तान का ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता लेकिन ये है कि अगर इंडिया का चालीस हज़ार करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं इन्फ्लेशन हो जाती है तो महंगा भी हो जाता है अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सब मेरीन्स हैं इनके पास इतनी इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है तो इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो आ, इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है so, सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर री ऑफ द नेवल ऑफल ठीक है जी अब अगर ये इंडिया एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मुझे याद है वंस आई स्पोक टू समवन हु वाज रिलेटेड टू द नेवी उन्होंने कहा जी कि हाँ पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान जब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है या इस तरह की बनाता है तो हमें डोमेस्टिकली महंगी पड़ती हैं और वो महंगी इसलिए पड़ती हैं कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है तो हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये जो मैनुफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सब की क्यों भाई वट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट न्यूक्लियर ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन का मैं आपको थोड़ा कॉन्टैक्ट बताता हूँ एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ठीक है दूसरा जी क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं ठीक है हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली है आ, और आ, हम जो है बार बार आपको डीजल नहीं भरवाने पड़ेंगे पेट्रोल नहीं डलवाने पड़ेंगे इस तरह की चीज़ें नहीं करानी पड़ेंगी और, आ, 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 और आ, मुकाबला किसका करना है आपने तासुर देना है उसका आत्मनिर्भर भारत का इंडिया का दिल है कि दिल्ली दस पंद्रह साल बीस सालों में अगर हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते है। हैं है? कितने पे मार सकता है? कौन से दुश्मन को हम बर्बाद कर सकते हैं इस्तेमाल से आइए आगे, आगे मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी दो है आई अरिहंत और आई एन अरेघात अच्छा ये अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन का वो अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कह रहे हैं कि साहब हम और न्यूक्लियर सबमरीन लाएंगे लेकिन इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दीज दो और एडिशनल इन लोगों ने ओके okay कर दिए उसका बजट तो ऑलरेडी इन प्लेस था दो और उसके ऊपर कर दी और ये भी अरेहंत क्लास की होंगी इनका मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं इनके डायमेंशन क्या है क्योंकि ज्यादा हम टेक्निकल घुस जाएंगे इसमें फिर आपको लगेगा कि पता नहीं मेजर साहब आप तो कहीं और ही इस नाव को लेगा चप्पू चला के देखिए 110 मीटर लंबी 110 मीटर लंबी समरीन होती है 110 मीटर लंबी ब्रॉडली स्पीकिंग हो सकता है कलम बड़ी बना ले 120 125, 130 एक मीटर भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है उससे लेकिन यह है तकरीबन 110 मीटर सबमरीन अच्छा एक और बात बता दूं, जब अरिहंत की बात आती है ना दोस्तों इसमें से 90% परसेंट चीजें सीक्रेट है मुझे नहीं पता दोस्तों जहां तक अरिहंत की बात है अरिहंत के मामले में जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में इट्स वेरी वेरी सीक्रेट तो जो कुछ हमें पता है वेरियस सोर्सेस से हमने नॉलेज ली है तब जाके आपके लिए इकट्ठा करिए रिसर्च करिए काफी लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि वो आपको ऐसी बात बताएगा अरिहंत के बारे में जो किसी को नहीं पता वो बंदा झूठ बोल रहा है वो बंदा झूठ बोल रहा है और ऐसे कई सारे मैंने वीडियोज देखे जो पूरा अंदर की बात बताएंगे कि न्यूक्लियर अमरीन किसी को नहीं पता जो चला रहे हैं उनको पता है जिसने बनाया उसको पता है मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इंडियन नेवी के ऐसे ऑफिसर्स हैं इंडियन नेवी में आज की तारीख में कार्यरत हैं सर्विंग इन इंडियन नेवी हु विदाउट परमिशन केनॉट गो ऑन अरियंथ सीनियर ऑफिसर्स हैं विदाउट परमिशन दे के नॉट गो बड़ा सीक्रेट मामला है ये नेवल चीफ के लेवल का मामला है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के एन एस दैट लेवल यू नो कि कोई भी बोले कि जी मैं, मैं नेवी में हूं मुझे अरियंत देख नहीं तो जो भी आपको यूट्यूब वीडियोज में ये चूरन खिला रहा है कि साहब ऐसा है वैसा है इट इज 99% फ्रॉड अच्छा अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये इसके स्पेसिफिकेशन जो है ये स्पेसिफिकेशन भी हमने जो रिसर्च करके जो अवेलेबल रिसर्च है उससे हम लेकर आए हैं ठीक है ये अरहंथ क्लास की एक सबमरीन है जिसका नाम है आई तो दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि किस प्रकार से डिफेंस की तरफ से पूरी तरीके से मंजूरी मिल चुकी है दो न्यू समरी बनाने के लिए और इसी के साथ इकतीस यू ड्रोन भी आने वाले हैं और ये अमेरिका के ड्रोन है और ये काफ़ी घातक ड्रोन है दोस्तों इन ड्रोनों के लिए भारत ने अमेरिका के साथ डील की है और इनके बहुत जल्द जो है वो डिलीवरी भी होने वाली है इंडिया में दोस्तों ये ड्रोन इतने घातक हैं कि ये हवा में से हवा में मात कर सकते हैं और इसी के साथ ये जो दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोनों में गिने जाते हैं दोस्तों इसी के साथ भारत का डी आर लगातार काम कर रहे है अपने न्यू न्यू इनोवेशन के साथ